हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इंडियन माइथोलॉजी। आप लोगों ने विष्णु जी के अवतार के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ शिव जी के रुद्र अवतार के बारे में। जी हाँ, शिव जी के 10 रुद्र अवतार है जो इस प्रकार है। शिव जी का पहला रुद्र अवतार है महाकाल। इस अवतार की शक्ति को माँ महाकाली की शक्ति माना जाता है और उज्जैन में महाकाल नाम से ज्योतिर्लिंग प्रख्यात है। शिव जी के दूसरे रुद्र अवतार का नाम तारा है और ये तार के नाम से प्रसिद्ध है। इस अवतार की शक्ति तारा देवी को माना गया है। देव के देव महादेव का तीसरा रुद्र अवतार है बाल भुवनेश। इस अवतार की शक्ति को बाला भुवनेशी माना गया है। भगवान शंकर का चौथा रुद्र अवतार है षोडश श्री विद्येश। इस अवतार की शक्ति देवी षोडशी है। महादेव के पांचवे रुद्र अवतार सबसे प्रसिद्ध माने गए हैं, जिन्हें भैरव कहा जाता है। इस अवतार की शक्ति माता भैरवी गिरजा मानी जाती है। महादेव का छठा रुद्र अवतार छिन्नमस्तक के नाम से प्रसिद्ध है। इस अवतार की शक्ति देवी छिन्नमस्ता मानी जाती है। छिन्नमस्ता मंदिर प्रख्यात तांत्रिक पीठ है। महादेव के 10 प्रमुख रुद्र अवतारों में सातवां अवतार धूमवान नाम से विख्यात है। धूमवान नाम के अवतार की शक्ति को माँ धूमावती माना गया है। महादेव का आठवां रुद्र अवतार बगला मुख के नाम से प्रसिद्ध है और इस अवतार की शक्ति को देवी बगला मुखी माना गया है। महादेव के 10 अवतारों में नौवां अवतार है मातंग का अवतार और इस अवतार की शक्ति को देवी मातंगी माना गया है। शिव जी का आखिरी और 10वां रुद्र अवतार है कमल। वो कमल के नाम से विख्यात है और कमल अवतार की शक्ति को देवी कमला माना गया है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो।